स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर x और y कोई भी रियल नंबर है, एनी टू रियल नंबर्स हैं। और आयोटा जो है, i जो है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन। तो ये वाला जो नंबर है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये पूरा जो नंबर है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करना मतलब इसको चिन्हित करना, किससे हम इसको चिन्हित करते हैं, जेड से। जेड से हम इसको दर्शाते हैं। तो उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भी 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम दर्शाने के लिए मैं जेड का यूज़ कर लूं, जेड को यूज़ कर लूं, तो जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसका मतलब ये है 2 प्लस 5 और आयोटा का मतलब हुआ अंडर रूट माइनस 1। और जब ये रूट के अंदर जाएगा तो तुम्हें पता है कि भी 25 का वर्गमूल जो है वो 5 होता है, यानी कि 5 को आप लिख सकते हो वर्गमूल 25। तो 5 को लिखिए वर्गमूल 25 और साथ में है वर्गमूल माइनस 1। तो जब इन दोनों को एक ही वर्गमूल में लिखेंगे तो आएगा वर्गमूल 25 गुना माइनस 1। तो 25 गुना माइनस 1 यानी कि 2 जमा वर्गमूल माइनस 25। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। और इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि भी आप बोलो एग्जांपल नंबर 2 ले लें, जेड इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 7 आयोटा। तो आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 है और 49 का जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल वो 7 होता है, यानी कि 7 को आप लिख सकते हो वर्गमूल 49। तो ये हो गया माइनस 5 प्लस वर्गमूल 49 माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस 5 प्लस वर्गमूल के अंदर आ गया 49 गुना माइनस 1, यानी कि माइनस 5 प्लस वर्गमूल माइनस 49। तो ये एक और एग्जांपल था। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, के दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भी लेट, मान लेते हैं कि जो जेड वन है वो है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, और जेड टू है वो है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। तो देयरफॉर अगर मैं बोलूँ कि भी इफ़ जेड वन इक्वल टू जेड टू, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन किसके बराबर है, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। और ऐसा तब होगा अगर ये जो इसका रियल पार्ट है आयोटा से फ्री वो इसके इक्वल हो, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू और साथ में वाई वन इक्वल टू वाई टू। तो वाई वन इक्वल होना चाहिए y2 के। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई बोले 2 प्लस 7 आयोटा इक्वल टू है 2 प्लस y आयोटा, तो मैं आपसे पूछूं कि भी y की वैल्यू क्या होगी। तो ये 2 तो इस 2 के इक्वल हो गया, तो जो 7 है वो y के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि भी जो y की वैल्यू है वो 7 होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 7 प्लस y आयोटा, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे कि x जो है वो 7 के इक्वल होगा और जो y है वो 3 के इक्वल होगा। तो ये इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो।
यहाँ पर एक्स को हम बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इसको आप डिनोट करते हो ऐसे आर ई ब्रैकेट में जेड, और इसको डिनोट करते हो आई एम ब्रैकेट में जेड। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल।